कबीर रहमान अली रहमान ई रिक्शा चालक खान परंपरा का कवि जन सरोकार मंच राजस्थान के माध्यम से आप सभी श्रोता बंधुओं को कोट कोट प्रणाम हार्दिक बधाई स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आज हम कृष्ण वंदना से कुछ कविता स्टार्ट करेंगे शुरू करेंगे जिसमें बाल वर्णन होगा पद्य होगा और वो पद्य जब श्री कृष्ण जी मथुरा जाते हैं तो गोपियों की क्या दशा होती है उसके बारे में हम कविता के माध्यम से पद के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो कविता पढ़ते हैं, पहले हम कृष्ण वंदना करते हैं। किशन जी आओ हमारे द्वार, किशन जी आओ हमारे द्वार, बहुत लालसा दिल में जागे, बहुत लालसा दिल में जागे तेरो हो दीदार, किशन जी आओ हमारे द्वार। मैं मूरख मन आस लगायो जो हूँ राह निहार, किशन जी आओ हमारे द्वार। बदलो चाहे भेष अनेकन दर्शन हो साकार, किशन जी आओ हमारे द्वार। मुझ दुर्बल को गले लगाकर जता दो थोड़ा प्यार, किशन जी आओ हमारे द्वार। अब विनती करत रहमान तुम्हारो कीजो इतना उपकार, किशन जी आओ हमारे द्वार, किशन जी आओ हमारे द्वार। और अब हम बाल वर्णन के दो छंद पढ़ता हूँ। एक गांव की ग्वालन भोर होते ही नंद बाबा के घर जाती है और घर जाकर के वो क्या देखती है उस दृश्य का वर्णन मैं करता हूँ कि भोर भये गई नंद के भाव नहीं आंगुरी दंत दबाए लई है, भोर भये गई नंद के भाव नहीं आंगुरी दंत दबाए लई है, द्वार पे खेलत श्याम सलो न हूँ परखी हमें मुस्काए दई है, अब घुटरन चलत कबहू उठ धावत कबहू किलक गिरी धूरी धई है, और छनन छनन पग नूपुर बाजत देखी छटा रहमान रही है, देखी छटा रहमान रही है। और एक दृश्य बाल वर्णन का और करता हूँ। कृष्ण जी सबके साथ सखाओं के साथ गोकुल में गाय चराने जाते हैं, वहाँ का एक दृश्य का वर्णन छंद के माध्यम से करता हूँ। धूरी भरे वो फिरे जमुना तट नंद के धेनु चराए रहो है, धूरी भरे वो फिरे जमुना तट नंद की धेनु चराए रहो है, पीत झका तन पे अति सोहत प्रेम की बंसी बजाए रहो है, और झूम ही डारी लचे लचके फूलन श्याम सुहाए रहो है, और या छवि को रहमान ने बिलोकत कोटि कला बिखराए रहो है, वो कोटि कला बिखराए रहो। और अब कुछ पद्य पढ़ते हैं। अक्रूर जी आते हैं मथुरा से, कंस जी का आदेश होता है, अक्रूर जी आते हैं और कृष्ण बलराम सब गोकुल से मथुरा के लिए तैयारी करते हैं और जाते हैं। उसी समय राधा जी बहुत व्याकुल हैं, वो भी साथ चलने के लिए एकदम बिल्कुल लालायक हैं, और ऐसे हालात में राधा जी कन्हैया से क्या कहती हैं पद पद के माध्यम से। कन्हैया संग चलूंगी तोरी,
कन्हैया संग चलूंगी तोरी, ब्रजवासी सब लौट चलो हैं, ब्रजवासी सब लौट चले हैं, संग छोड़ी के मोरी कन्हैया संग चलूंगी तो। साथ छुड़ा के मथुरा जावत तोर प्रीतिया के डोर संग कन्हैया संग चलूंगी तो। तन मन में तेरो नाम लिखो है, तन मन में तेरो नाम लिखो है, कैसे जाऊं ब्रज की ओर कन्हैया संग चलूंगी तो। रास न आए देखी छटाई है, रास न आए देखी छटाई है, पवन चले झकझोरी कन्हैया संग चलूंगी तो। फफकी फफकी दृग नीर बहावती, फफकी फफकी दृग नीर बहावत, पकड़त पकड़ती पग कर जोरी कन्हैया संग चलूंगी तोरी, कन्हैया संग चलूंगी तोरी। पप्पी ही है कि यह देखी दशा, हरि हो गए भाव विभोर, कन्हैया संग चलूंगी तोरी। अमर भयो तब प्रेम जगत में, अमर भयो तब प्रेम जगत में, राधे चली नंद के पोरी, कन्हैया संग चलूंगी तोरी। इस प्रकार राधा मान जाती है और वो गोकुल लौट आती हैं, और गोकुल लौट आने के बाद 12 महीने बीत जाते हैं, कोई खबर नहीं मिलती। तब सभी सखियां लोग एकत्रित होती हैं और एक दूसरे से वार्तालाप करती हैं और कहती हैं, सखी रे बीतल 12 मास, और हमारे रहीम रसखान परंपरा का कवि बनने का मेन कारण यही पद है, यहीं से हमने कृष्ण भाव को समझा और लिखना प्रारंभ किया। इसी पद के माध्यम से सखी रे बीतल 12 मास, जो ये पद हम स्वप्न में पाए थे, ये लाइन मैं स्वप्न में पाया था, सखी रे बीतल 12 मास, आज वही पद मैं पढ़ रहा हूँ जन सरोकार मंच के माध्यम से। कि सखी रे बीतल 12 मास, बिसरत नई के सूरत उनकी, बिसरत नई के सूरत उनकी, चाहे कोटि करूं प्रयास, सखी रे बीतल 12 मास, कछु नहीं भावत कुंज गलिन में, कछु नहीं भावत कुंज गलिन में, बैरिन बन गई वास, सखी रे बीतल 12 मास, सखी रे बीतल बीतल 12 मास। मैं बिरहन बिरह की मारी, मैं बिरहन बिरह की मारी, निस्दिन जूहूं आस, सखी रे बीतल 12 मास, सखी रे बीतल 12 मास। निष्ठुर मन मथुरा में विराजे, निष्ठुर मन मथुरा में विराजे, छोड़ ब्रज की रास, सखी रे बीतल 12 मास, सखी रे बीतल 12 मास। और मथुरा है माया की नगरी, मथुरा है माया की नगरी, कहीं फंस ना जाए काश, सखी रे बीतल 12 मास। और उपजत मन में भेद अनेकन, उपजत मन में भेद अनेकन, आवे न जब तक पास, सखी रे बीतल 12 मास। और रहमान हिये यह देखी दशा, रहमान हिये यह देखी दशा, मानो माधव बिन छूटे सांस, सखी रे बीतल 12 मास, सखी रे बीतल 12 मास। और इसके बाद सभी सखियां वार्तालाप करती हैं कि महाराज कंस मथुरा से अक्रूर जी को भेजे और उनको लेकर के चले गए, ऐसा लगता है कि हमारे हरि को लेने के लिए, हमारे हरि को हरण करने के लिए अक्रूर जी यहाँ पर आए थे, और वो लेकर के चले गए। सखियां विलाप करती हैं और कहती हैं, हरि लई गयो हरि को हमारे, हरि लई गयो हरि को हमारे,
धनुष यज्ञ का ढोंग रचाकर, धनुष यज्ञ का ढोंग रचाकर भूपति भेजे ही द्वारे, हरि लई गयो हरि को हमारे। सारथ बन अक्रूर ही आमे, मीठे बचन उचारे, हरि लई गयो हरि को हमारे, हरि लई गयो हरि को हमारे। कब के गए न लौटे अब तक पल पल राह निहारे, हरि लई गयो हरि को हमारे। अपने अवगुण परख न पायो काहे मोह बिसारे, हरि लई गयो हरि को हमारे। रहमान न जाने माया उनकी सब ही उनसे हार्यो, हरि लई गयो हरि को हमारे। इस प्रकार वो गोपियां बहुत दुखी हैं। वैसे तो हमने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन शॉर्टकट में कुछ पद्य आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। और लिखने को मैंने बहुत कुछ लिखा है, और उसकी एक पद्य और आपको सुना रहा हूँ कि सखियां बेचैन हैं, बहुत दुखी हैं, और वो उधो जी से कहती हैं। जब उधो आते हैं और सारी बातें बताते हैं तो वो जड़ी खोटी सुनाती हैं। सुनाने के बाद फिर वो कहती हैं, उधो इतनी कहियो जाए विरह नकारी ब्रज की नारी ठाढ़े रहो झुराए, उधो इतनी कहियो जाए। कान कान चहुदिस गूंजे गगन गयो थर राय, उधो इतनी कहियो जाए। और पोरी में बिलखत मात यशोदा शुद्ध बुद्ध दियो गवाए, उधो इतनी कहियो जाए। और यहाँ तक कि वहाँ के पशु गाय बछड़े सब दुखी हैं, और वो पंक्तियाँ कवि लिखता है कि गो बक्ष सब हुंकार मचावे बाध ही डोरी लियो तुराए, उधो इतनी कहियो जाए। और बिन गोपाल रहमान न भायो जल बिन मीन दियो अलगाए, उधो इतनी कहियो जाए। और इसके बाद हम वाणी पर विराम देने के पहले एक पद और पढ़ता हूँ कि जब सुदामा जी की पत्नी ने आग्रह किया कि आप अपने सखे के पास जाएं, बड़ी मुश्किल से सुदामा जी उनकी बात माने और पड़ोस से चावल की पोटली लेकर के आए और वो अपने प्रभु के पास पहुंचते हैं। कितने मुसीबत से उनसे मुलाकात होती है। हमने बहुत अपने बुद्धि से बहुत बढ़िया ढंग से वर्णन किया है, वैसे तो सूरदास जी ने भी किया है, रसखान जी ने भी किया है, लेकिन हम भी अपने ढंग से किए हैं। और जब द्वारिका में पहुंच जाते हैं और जब द्वारिका नरेश को पता चलता है तो दौड़ते हुए आते हैं, और वहीं से मैं छंद पद उठाता हूं। जब मुलाकात होती है, मुलाकात होने के बाद वो सीधे घर के अंदर महल में लाते हैं और क्या कहते हैं, सखा हो दिल को बहुत दुखायो करे द्वारिका स्वागत तेरो,
करे द्वारिका स्वागत तेरो, बहुत दिनन पे आयो, सखा हो ही को बहुत दिखायो, सखा हो ही को बहुत दुखायो। बिठा खाट पे पांव पखारत, बिठा खाट पे पांव पखारत, रुकमनी पंख डुलायो, सखा हो ही को बहुत दुखायो, सखा हो ही को बहुत दुखायो। चरणामृत लय पान किए, चरणामृत लय पान किए, दई बासन भोज करायो, सखा हो ही को बहुत दुखायो। देखी छटा सत्कार प्रभु की, देखी छटा सत्कार प्रभु की, सब देव रहे हर्षायो, सखा हो ही को बहुत दुखायो, सखा हो ही को बहुत दुखायो। पूछत कुशल भाभी कुछ दिन हो, पूछत कुशल भाभी कुछ दिन हो, पोटरी कांख दबायो, सखा हो ही को बहुत दुखायो। और छीन के पोटरी तंदुल फाके, तीनों लोक लुटायो, सखा हो ही को बहुत दुखायो। और देख दया रहमान प्रभु की, देख दया रहमान प्रभु की, हसत विप्र घर आयो, सखा हो ही को बहुत दुखायो। और एक छंद पढ़ता हूँ कि तुलसी और सूर सा प्रेम कहाँ, भक्तों में भक्त महान वही हैं, रच डाले ग्रंथ बसाहिए में, सी राम किशन की जान वही हैं। और सच्ची सूर सा बन चमके जग में, मानवता की पहचान वही हैं, रहमान करें गुणगान सदा, जब जन जन की मुस्कान वही हैं। और अंत में वाणी पर विराम देने के पहले मैं सभी श्रोता बंधुओं को पुनः अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई देता हूँ और या दुआ करता हूँ कि आप लोग हमारी कविताओं को सुने होंगे और हमें आशीर्वाद भी देंगे। जय हिंद, जय भारत।